प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर आदि की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करता था। परंतु सेठ स्वभाव से घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि जो भी उसको मिला है वह उसकी वजह से ही मिला है। परंतु सेठ को यह पता न था कि यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो इसे इस जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिला है। वह सेठ बहुत ही घमंडी, अभिमानी और खुद को परमात्मा मानता था। इस तरह वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वह उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझे। समय के साथ सेठ के दो पुत्रियों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थी। दोनों एक साथ बड़ी होने लगी। बड़ी बेटी अपने पिता की तरह ही घमंडी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी। वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से और बहन से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली थी और अपने अच्छे कर्मों को करती रहती थी। किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, तुम दोनों मेरे महल में खुश हो ना। तब दोनों लड़कियों ने कहा, जी पिताजी, हम दोनों बहुत खुश हैं। सेठ ने सोचा यही सही मौका है कि जब उसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल सकती है। उसने दोनों लड़कियों से पूछा, अच्छा तो तुम यह बात बताओ कि जो तुम्हें यह सब मिल रहा है, आराम का जीवन, सुख सुविधा, नौकर चाकर, जो भी मेरे पास है वो तुम दोनों भोग रही हो, तो यह बताओ कि तुम्हें यह सब कहाँ से मिलता है और तुम किसके भाग्य का खाती हो। यह सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपकी वजह से ही मुझे यह सब कुछ मिला है और यह आराम का जीवन मैं जी रही हूँ। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर वह खुशी से फूला न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। तब उसने छोटी बेटी की तरफ मुंह करके यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख मिलता है मेरे भाग्य के अनुसार ही मिलता है। मेरे कर्मों की वजह से यह सब कुछ मुझे मिलता है। जो भी मेरे साथ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा। यह बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। सोचा इसे सबक सिखाना ही होगा। इस तरह घमंडी सेठ ने अपनी पुत्री को सबक सिखाने का सोचा और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया। तब उसने एक दिन मंत्री को अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने के लिए आदेश दिया और कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार वर और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढा जाए। सेठ के आदेश के अनुसार बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढ कर उनका विवाह कर दिया। अपनी छोटी पुत्री को विदा करते समय सेठ ने कहा, पुत्री, तुम्हारा वर बहुत ही गरीब है, ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने इस पर कहा, पिताजी, मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिला। सेठ उसकी इस बात पर क्रोधित हुआ और अपनी छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और अपनी बड़ी पुत्री को सोना चांदी, कपड़े और नौकर चाकर देकर विदा किया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी थी, इसीलिए जब भी उसके घर में चींटियों का झुंड आता वह उसे मरवा देती। और छोटी पुत्री का स्वभाव शुरू से ही सरल होने के कारण उसके घर में जब भी चींटियां आती वह अपने भोजन में से आधा हिस्सा भूरा और चीनी मिलाकर उनके बिल के पास रखती और बैठकर कीड़ी नगरी की कहानी कहती। तो धीरे धीरे छोटी बेटी के घर में धन बढ़ने लगा। उसके पति की काया कंचन जैसी हो गई। उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होने लगा। उसका पति दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पति सेठ कहलाने लगा। इधर बड़ी बेटी को चींटी मारने का श्राप लग गया और उसके पति को कोढ़ निकल आया। वह भी बीमार रहने लगी। उसके घर का धन वैभव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सास ससुर बहू को अपशगुन मानने लगे। इधर सेठ सोच रहा था कि अब तो छोटी बेटी को सब समझ आ गया होगा, अब तो मेरा जरूर गुणगान करेगी।
यह सोचकर अपने आदमियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों बेटियां अपने पिता के घर आई। अपनी दोनों बेटियों को देखकर सेठ हैरान हो गया, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत ही गरीब अवस्था में थी और ऊपर से अस्वस्थ भी थी, और छोटी बेटी की काया कंचन जैसी चमक रही थी, ऊपर से वह गहनों से लदी थी। अब सेठ को समझ में आ गया कि सब अपने अपने भाग्य से और अपने बीते कर्मों के फल का खाते हैं, और उसने अपनी छोटी बेटी से माफी मांगी। इस प्रकार आप जब भी चींटियां देखें तो छोटी बेटी की तरह मीठी रोटी का चूरमा या आटे में शक्कर मिलाकर डालें, चींटी की कहानी सुने, कीड़ी नगरी की कहानी सुने। ऐसा 7 दिनों तक लगातार करने से आपके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होगा। जय श्री राधे।